बार बार अखिलेश को बुला रहे हैं सांसद निरहुआ जी, तो कौन आ रहा है? अब देखिए ये सब हल्की बात है, किसी को हम कह दें मोदी जी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, जोगी जी हमारे, ना हम मोदी हो सकते हैं ना हम जोगी जी हो सकते हैं, और दिनेश लाल कुछ भी हो जाए अखिलेश यादव तो नहीं हो सकते, ये गलत बात है। सांसद हैं तो सांसद रहें, सांसद हैं फिल्म स्टार, अरे फिल्म स्टार हो, फिल्म स्टार से हम लोग राजनीति में फिल्म स्टार की हैसियत हम लोग सामने नहीं है। जो हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो पिछले साल दिसंबर से हम सुन रहे हैं कि चालू हो रहा है, भाई चालू हो भी करेगा, उसको मुलायम सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसकी बुनियाद रखी थी, ये आजमगढ़ के जिले के नेता लोगों ने उनको हराने का काम किया था, ना कि भाजपा के हराने के लिए उन्होंने किया। आप बड़े नेता हो, आप अपना क्षेत्र में काम करो, हमारी एक हैसियत, हमारी एक एरिया, हम अपने एरिया में प्रचार करेंगे, हम कैंडिडेट साथ घूमेंगे, जिसने इस मशीन को बनाया, जिसने ईजाद किया उसने बंद कर दिया, तो फिर आप कहाँ लेकर ढो रहे हो, आप भी बंद कर दो। आप मेहनत नहीं करेंगे, चमचई करेंगे, तो चमचई से नहीं कोई चुनाव जीतता है, ना चमचई से कोई राजा चल पाता है। यहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरा कोई जीतबे नहीं करेगा, दोनों सीट पर लालगंज और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी जीतेगी और दूसरा कोई जीतबे नहीं करेगा। दावा कर रहे हैं? एकदम 100% दावा कर रहा हूँ। मुसलमान तो आत्मनिर्भर पहले से था, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे ना कि आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर इस मुल्क में पहले से माइनॉरिटी के लोग, तो बड़ा काम वही हो सकता है कि बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के संविधान को बदला जा सकता है 362 में, और कुछ नहीं, कुछ बचा थोड़ी नहीं जो नहीं कर चुके वो लोग, सब कर चुके। ये मुल्क जो है क्रांति और मोहब्बत दोनों के मामले में मशहूर था, लेकिन ये मोहब्बत भी खत्म होती जा रही है, क्रांति भी खत्म होती जा रही है। दो हजार 24 का चुनावी बिगुल बज चुका है, ऐसे में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी दावा कर रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से खदेड़ देंगे। वहीं अखिलेश यादव जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि इस बार भाजपा को पीडीए हराएगा, पीडीओ को पूरे उत्तर प्रदेश में वो क्रियान्वित कर रहे हैं, जगह जगह उनकी जनसभाएँ हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही सत्ता का रास्ता होकर के जाता है, और इस बार बीजेपी के उस सत्ता को काबिज करने की मुहिम में जो लगी हुई है 400 पार का दावा कर रही है, उसको हम ब्रेक लगा देंगे, रोक देंगे, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजमगढ़ जिले के और बड़े नेता हैं इसरार अहमद, उनसे हम लोग समझेंगे कि अखिलेश यादव के दावों में कितनी सच्चाई है, क्या सच में समाजवादी पार्टी इस बार पीडीए के माध्यम से भाजपा को रोक देगी या फिर भाजपा 400 पार करेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया असीम भाई। नहीं, ये तो 100% सही है कि पीडीए में मोस्ट बैकवर्ड जितने हैं और अनुसूचित सभी लोग आते हैं उसमें पीडीए से ही इनकी सरकार बनती थी, पीडीए अब की पारी हराएगा, ये भी सही है, क्योंकि पीडीए कब तक जो है लोग उनको झूठा आश्वासन देंगे। पीडीए के जितने भी नौजवान लड़के हैं, गरीब लोग पढ़ा लिखा के लोगों को रोजी रोटी से अपने बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन रोजगार आई कई बार, एक बार हुआ, दो बार हुआ, बार बार आप खाली झांसा दे रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार पड़े हैं। यानी सरकार झांसा दे रही है? बिल्कुल झांसा दे रही है। आप झांसा का तो आप सबके सामने है, चाहे मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे कारोबारी हो। देखिए नौजवान पढ़ लिख के बेकार बैठा है तो घर वालों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात, कौन है पीडीए के लोग ही ना नौकरी करते थे, पीडीए के लोग ना नौकरी करते, माइनॉरिटी के पर्सन नौकरी करने में है, माइनॉरिटी को तो सिर्फ झांसा दिया जाता है और गुमराह करके दिखा के कि उनका वोट लिया जाता है। मुसलमान तो आत्मनिर्भर पहले से था, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे ना कि आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर इस मुल्क में पहले से माइनॉरिटी के लोग हैं, किसी के भरोसे नहीं, किसी के नहीं, बस ऊपर वाले के भरोसे। और नौकरी बताइए कै परसेंट, बताइए नौकरी करते हैं, आप पहले से आत्मनिर्भर हैं, अपना मेहनत करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। लेकिन हमारे जो पीडीए के लोग थे यही बेचारे तो नौकरी में जाते थे, आज आरक्षण की खत्म करने की बात की जा रही है, आज आरक्षण में नौकरी में मिलने पर भी तकलीफ हो रही है लोग, जब सब खत्म हो जाएगा तो पीडीए कहाँ रहेगा? पीडीए के तो ख़त्म हो रहा है, दूसरे को थोड़ी ख़त्म हो रहा है, तो पीडीए अब की बारी हराएगा। अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसी राजनीति है कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करता है यहाँ का चुनाव। अगर यहाँ लोग रोकने में कामयाब हो गए तो पूरे हिंदुस्तान में लोग हो गए। और जो अखिलेश जी अपना दावा कर रहे हैं वो इस बेस से भी कह रहे हैं कि 90 सीट ऐसी है कि जो 250 से 2500 तक हारी है तो विधानसभा में, विधानसभा में 2022 में, तो वह चुनाव कांग्रेस के जब जो इसमें सटेंगे, दोनों लोग मिलकर लड़ेंगे तो वोट सट के बढ़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ इसकी नवयत उत्तर प्रदेश की कुछ और हो सकती है। तो उधर मोदी जी भी 400 पार कह रहे हैं। देखिए मोदी जी का निशाना कुछ और है, लोग समझ नहीं पा रहे, इस मुल्क के लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
400 पार तो भाई बड़े नेता हैं, वो अपने हिसाब से कहते होंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा खेला है। क्योंकि देखिए, मैं खुल के बोलने में मुझे कोई परहेज नहीं है। सरकार सत्ता में आप हैं तो आप राज्यसभा में हो, लोकसभा में हैं तो आप कानून पास कर सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन संविधान नहीं बदल सकते। 362 चाहिए संविधान बदलने के लिए। तो आपकी बारी, कह रहे ना कि हम 370 रहेगा और बड़ा बड़ा काम करेंगे हम, तो बड़ा काम वही हो सकता है कि बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के संविधान को बदला जा सकता है 362 में। और कुछ नहीं, कुछ बचा थोड़ी ना कि जो नहीं कर चुके वो लोग, सब कर चुके हैं, सब बदल चुके हैं, खाली संविधान बदलना बाकी। भाई 362 से पहले कम से बदल ही नहीं सकते, और तो उनको सत्ता में है ही है 2 बार से। और जब इस मुल्क का संविधान बदल जाएगा तो इस मुल्क की क्या रूपरेखा, आपको ऐसा लगता है संविधान बदल सकता है? मैं तो भैया इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब वो लोग नहीं रहे कि जो क्रांति के मूड में हों। ये मुल्क जो है क्रांति और मोहब्बत दोनों के मामले में मशहूर था, लेकिन ये मोहब्बत भी ख़त्म होती जा रही है, क्रांति भी ख़त्म होती जा रही है। जब आप जहाँ दब्बू होते हैं वही जालिम पनपते हैं, जब आप सहते रहेंगे तो जुल्म होता रहेगा। तो असंभव कुछ भी नहीं है, यहाँ संभव सब है। अब चुनाव को किस नज़रिए से लोग फिर घुमा के ला के देखते हैं, मैं तो समझता हूँ चाहे कोई दल हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या बिहार का कितने भी जितने भी हिंदुस्तान में दल हैं, वो सभी लोग राजनीति करो भाई, लेकिन देश को, देश के हित में करो, देश की जनता रहेगा तभी सब रहेगा, देश रहेगा तभी सब लोग रहेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर राजनीति पार्टी कहाँ रहेगी, आप कहाँ रहेंगे? तो कोई भी दल हो, जो भी दल हैं, सब लोग चुनाव लड़ें, मोहब्बत से लड़ें, अपना अपना प्रयास करें, जनता जिसको पसंद करेगी जीतेगी, लेकिन इस मुल्क को मद्देनज़र रखते हुए ही हर काम करें लोग, मुल्क को दूसरे किनारे में न करें जो ना। अच्छा, आपने कहा कि मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, नफ़रत बढ़ती जा रही है, और जबकि राहुल गांधी अभी और अखिलेश यादव ने कल मंच साझा किया और मोहब्बत की दुकान और तमाम चीज़ें अखिलेश यादव ने भी मंच से बोला है राहुल गांधी के साथ में, तो तमाम चीज़ें हुई हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खुल रही है, नफ़रत की दुकानदारी सिमट रही है। आपको नहीं लगता कि नफ़रत ख़त्म हो रही, धीरे धीरे मोहब्बत ही जीतेगी? इसलिए बताइए, वो हमसे बड़े लीडर हैं, उनको ये लगा कि नफ़रत फैलाई जा रही, इसलिए मोहब्बत का पैगाम लेके चले ना, इसलिए मोहब्बत की दुकान खोले ना। तो मेरी बात मिली कि नहीं मिली, जो सही हुई कि नहीं हुई? तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई, खत्म करने की कोशिश की जा रही, तो प्रयास किया जाए उसको फिर से मिला दिया जाए। फिर वह जो भारत हमारे देश का था, जो मोहब्बत संस्कृति या भाईचारा में पूरे दुनिया में मिसाल थी, उसको फिर से हम लोग कायम करें। क्योंकि हमारे देश की पहचान ही मोहब्बत है, एकता अखंडता का प्रतीक कहा जाता है भारत, तो इसको हम पुनः फिर स्थापित करें। देखिए, राजनीति खूब करें लोग, लेकिन नफरत मत फैलावें, देश को न तोड़ें, लोगों के दिलों को न तोड़ें, दो लोगों को एकता को न तोड़ें, इस मुल्क की जो एकता है उसको बरकरार रखें। और आगे तो अभी चुनाव बहुत आएगा, बहुत इंटरव्यू होगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ईवीएम को लेकर के कह रहे हैं कि ईवीएम से सेटिंग होता है, ईवीएम से हैकिंग होता है, ईवीएम को हैक करके वोट इधर उधर किया जा सकता है, तमाम आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। आपको लगता है ईवीएम से चुनाव जो है वो मतलब सही से नहीं होता, गड़बड़ी होती है? देखिए, ये कहीं ना कहीं सत्यता तो है। दूसरी बात ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई जगह है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील मैंने देखा था टीवी पे, मुझको आपने बहुत, हाँ बहुत देखा, जेल तक गए, जो जेल भी गए, धरना प्रदर्शन भी किया, उसकी आवाज़ भी उठाया, फिर उसको हैकिंग करके उन लोगों ने बताया भी कोर्ट में। तो जब कोर्ट के सामने हैकिंग करके बता दिए तो फिर उसमें बचा क्या है? मैं कह रहा हूँ फिर आखिरकार इतना ही अच्छा, हमको विश्वास है कि हम आपको पटक देंगे, अखाड़े में हम दोनों लोग लड़ रहे हैं, आपको हमको विश्वास है कि हम आपको पटक देंगे, तो फिर हम बाजने में हमको दिक्कत क्या है? लड़ने में कोई परेशानी? लड़े, खूब लड़े ना। जब आप जानते हैं कि जनता हमको जो है जिता रही है, तो आपको ब्रेड पेपर से कराने में क्या दिक्कत है? तो नहीं करा रहे, जिसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है भाई। बहुत बड़े तो नहीं हमें कि हम पूरी कहानी को बता सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं। बस आपकी राय जानना चाह रहा था। आप देखिए, जब जिसने इस मशीन को बनाया, जिसने ईजाद किया, उसने बंद कर दिया, तो फिर आप कहाँ लेकर ढो रहे हो? आप भी बंद कर दो। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, चाहे किसी मशीन से हो चाहे उससे, लेकिन निष्पक्ष हो।
लेकिन अब अंदर भाई बहुत बड़ा बड़ा खेला होता, हम लोगों को उतना स्तर तक नहीं है कि बात। लौट आते हैं अपने जिले में जहाँ पे आपका खेला है, 10 विधायक हैं पार्टी के, है ना, और एक जगह पे आपके समर्थित 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में थी तब संगीता आज़ाद ने चुनाव जीता था लालगंज से, तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि आप लोगों के साथ समर्थन के द्वारा एक सांसद आपका, 10 विधायक, और यहाँ पे सदर में दिनेश लाल यादव निरहुआ है। आप लोग बड़ा सीना ठोक करके कहते थे कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की एक एक ईंट पे विकास का नाम, मतलब अगर विकास का कहीं बात होगा समाजवादी पार्टी का नाम आएगा। अब तो भाजपा भी सीना ठोक करके कह रही है कि हमने विश्वविद्यालय दिया, एयरपोर्ट चालू करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में भी सुनने में आ रहा है 2 तारीख को आ रहे हैं। तो ऐसे में जो ये तमाम समीकरण बन रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सपा के गढ़ में अब मजबूती से भाजपा पूरा हिला रही है, जोर से सबको जगा रही है? कोई बात नहीं है, वो अच्छी बात है, स्वागत है प्रधानमंत्री जी का, अगर एयरपोर्ट उद्घाटन करने आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम आपसे 100 चीज़ की अपेक्षा कर रहे हैं, आप एक तो हमारा पूरे कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप सत्ता में हो, कोई सरकार में रहेगा काम करेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो पिछले साल दिसंबर से हम सुन रहे हैं कि चालू हो रहा है, भाई चालू हो भी करेगा, उसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसकी बुनियाद रखी थी, अगर बुनियाद नहीं रहती तो फिर टहनी कहाँ से आती। लेकिन आरोप आप ही लोगों पे लगता है कि आप लोग शुरू नहीं होने देते। अभी जल्द ही एक ग्राउंड में एबीपी न्यूज़ का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पे बीजेपी के लोगों ने कहा कि यही लोग नहीं शुरू होने देते। नहीं, जो आपको शुरू करना है उतना तो शुरू कर लीजिए, आप इंटरनेशनल बाद में करिएगा, पहले अंतर्राष्ट्रीय करें तो नमस्ते कर लीजिए। आप पहले पता चला कि ये सूर्य नहीं कर पा रहे हैं, पूरा एक्वायर कर रहे हैं, आप एक्वायर कर रहे हैं तो वहाँ नहीं हो पा रहा है। वहाँ झगड़े बहुत दिन से हम सुन रहे हैं, हम तो गए नहीं थे वहाँ, गांव वाले विरोध कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन ले जाए, तो दूसरी तरफ बढ़ा लीजिए आप, या उनको कन्विंस करिए कि हम आपको दूसरी तरफ ज़मीन दे रहे हैं, या उनकी आबादी उजाड़ के उनको पैसा उतना दीजिए, दूसरी जगह बता दीजिए, कहे नहीं हो सकता, पैसा मूल मिलेगा तो हर आदमी कहीं जा सकता है। यूनिवर्सिटी जहाँ तक सवाल है, यूनिवर्सिटी देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में आई थी, वो समय ज़मीन उपलब्ध नहीं करा, पर यही यूनिवर्सिटी जब आई होगी तब कई जगह जमीन यहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा, बनते बनते कहाँ जाके बना है। किसी सरकार ने, भाजपा के पहले किसी सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था कि नहीं किया गया था, ऐसी बात नहीं है, अखिलेश जमाने में किया था जमीन, नहीं ये लोग डीएम साहब नहीं कबार नहीं करा पाए थे। बहरहाल स्वागत है, धन्यवाद है इनका जो करा है, हमारे नौजवान, हमारे देश के, प्रदेश जिले के नौजवानों को या हमारे घर के बच्चों को, हमारे जिले के बच्चों को बहुत आसानी होगी, बहरहाल अच्छी बात है। लेकिन देखिए चुनाव ना उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का होता है, आपको पता है, आप तो बहुत दिन से हैं लाइन में, और सत्ता का चुनाव होता है सत्ता में, और सत्ता के पक्ष का ही कैंडिडेट जीतता है। धर्मेंद्र यादव को बहुत कम टाइम मिली थी, 14 ही दिन में आए थे, 14 दिन में चुनाव लड़े। मैं धर्मेंद्र यादव का दोष नहीं दूंगा कि वो चुनाव हार गया, समाजवादी हार गई, मैं आजमगढ़ जिले के नेताओं का दोष दूंगा, मैं तो था नहीं, ये आजमगढ़ के जिले के नेता लोगों ने उनको हराने का काम किया था, ना कि भाजपा के हराने के लोगों ने किया। आप बड़े नेता हो, आप अपना क्षेत्र में काम करो, हमारी एक हैसियत, हमारी एक एरिया, हम अपने एरिया में प्रचार करेंगे, हम कैंडिडेट साथ घूमेंगे, ये सब के सब लोग कैंडिडेट के साथ घूम रहे थे, किसी गाँव में नहीं गए थे, नहीं तो धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं हारता, ये समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के लोगों ने हराने का काम किया था। तो अब की बार कैसे रहेगा मामला? अब की बार समाजवादी पार्टी वाले उस गलती को दोहराएंगे या नहीं, फिर नहीं, वो अब की बारी सबके समझ में आ गया, अपना अपना एरिया पकड़िए, अपना अपना काम करिए, कैंडिडेट हारना जीतना उसके नसीब की बात है, आप मेहनत तो करिए सही, आप मेहनत नहीं करेंगे चमचाई करेंगे तो चमचाई से नहीं कोई चुनाव जीतता है, ना चमचाई से कोई राजा चल पाता है। तो अब लोग समझ गए हैं, जो भी कैंडिडेट होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, उसको समाजवादी पार्टी अपने अपने विधानसभा में अपने अपने विधानसभा के लीडरों को देगी जिम्मेदारी कि आप अपना लड़िए, आप मेहनत करिए, वोटिंग कराइए, जब वोटिंग कराएंगे तभी चुनाव जीत सकते हैं। आजमगढ़ में भाजपा से पार पाएगी सपा? यहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरा कोई जीतबे नहीं करेगा, दोनों सीट पर लालगंज और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी जीतेगी और दूसरा कोई जीतबे नहीं करेगा। दावा कर रहे हैं? एकदम 100% दावा कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि लालगंज में अगर दरोगा सरोज पा जाएंगे तो बिना मेहनत के चुनाव हम लोग वहाँ जीत जाएंगे। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराना चाहता हूँ, मैं कह के भी आ रहा हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी से दरोगा प्रसाद सरोज को चुनाव लड़ाया जाता है। आप ऐसे कैमरे पे बोल रहे हैं तो बहुत सारे नेता हैं जो वहाँ से टिकट चाह रहे हैं तो आपसे बैर माने, लेकिन मैं समाजवादी का चिंतक हूँ,
मैं किसी व्यक्ति का चिंता नहीं करता, मैं समाजवादी पार्टी पुराना सिपाही हूँ, समाजवादी पार्टी की चिंता करता हूँ कि समाजवादी पार्टी जिताऊँ कैंडिडेट दे जो समाजवादी पार्टी की एक सीट बढ़े, वरना नेताजी का टिकट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो टिकट समाजवादी पार्टी किसी को दे देंगे तो लड़ाया जाएगा। लेकिन मेरी अपने आज चिंता, मुझे जो मैं पुराना कार्य करता हूँ, मुझे चिंता है अगर जिताने की तो दरोगा प्रसाद सरोज को दिया जाए। चलिए एक आखिरी सवाल, अक्सर आजकल आजमगढ़ के जो सांसद हैं दिनेश लाल यादव ललकार रहे हैं कि अखिलेश आ जाएं, मैदान छोड़ करके क्यों भाग गए, अखिलेश आ जाएं, बार बार अखिलेश को बुला रहे हैं सांसद निरहुआ जी, तो कौन आ रहा है? अब देखिए ये सब हल्की बात है, किसी को हम कह दें मोदी जी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, जोगी जी हमारे, ना हम मोदी हो सकते हैं ना हम जोगी जी हो सकते हैं, और दिनेश लाल कुछ भी हो जाए अखिलेश यादव तो नहीं हो सकते, ये गलत बात है। वो सांसद हैं तो सांसद रहें, सांसद हैं फिल्म स्टार, अरे फिल्म स्टार हों, फिल्म स्टार से हम लोग राजनीति में फिल्म स्टार की हैसियत हम लोग सामने नहीं है, हम लोग एक सांसद को हैसियत देते हैं, हमारे सांसद हैं भाई, कलाकार हो तो कलाकार की दुनिया में अलग इज्जत है, आप हमारे सांसद हो इसकी दिल में हमारी अलग इज्जत है, हमारे देश के सबसे बड़ी पंचायत के आप मेंबर हो, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आप फाउल बोलना, फलाने आके लड़ने, ढकाने लड़ने, ये मेरे राजनीति में हिस्से में नहीं आता, गलत बोलते नहीं, गलत बोलते हैं, किसी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, आप ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उनका मर्जी होगा आके लड़ेंगे, कोई मना कर रहा है आपको बुलाने थोड़ी आएंगे। ऐसे बार बार पिन क्यों मारते रहते हैं, क्या वजह हो सकता है? उन्हीं के नाम से सहारा लेके अपने का आगे बढ़ना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, अखिलेश का नाम लेके हाईलाइट कर, भाई अपने से बड़े का नाम लेंगे तो आप जरूर हाईलाइट होंगे, हम मोदी जी का नाम लें, जोगी जी का नाम लें, मायावती जी का नाम लें, हाईलाइट के मामले में निरहुआ का भी एक क्रेज है, वो काफी पॉपुलर है वो, भाई मैंने तो किसी को मैं तो सम्मान करता हूँ उनका, भाई मैं पुराने मेरे परिचित भी हैं, अच्छा मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे तब खराब लगता है जब वो आते हैं तो कहते लोग कह देते हैं निरहुआ, मुझे खराब लगता है, सांसद जी का हो तो अच्छा है, मेरे सामने कहा चढ़ाई में और फौजी की मौत है, एक आदमी कहा अरे निरहुआ आ गया, हम लोग को बड़ा खराब लगा, मैं कह हमारे सांसद भाई, आप उसके उस नज़रिए से मत देखिए, मैं खड़ा था मेरे सामने ही बोले, वो भी कहे हाँ भैया हम अला, तब क्या क्या आ जाए, लोग समझ नहीं पाते कि हमको कब सम्मान किसको देना है, कब नहीं देना है, नहीं नाम लेना चाहिए, बड़े नेताओं का नाम लेकर अपने आप को जोड़ना नहीं चाहिए। चलिए हमने बातचीत किया समाजवादी पार्टी के नेता इसरार अहमद से, जो मुलायम सिंह यादव के समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और तमाम उतार चढ़ाव आए जीवन में, ऐसे ऐसे मुकाम आए कि तमाम परेशानियों में भी घिरे, लेकिन फिर भी समाजवाद का दामन नहीं छोड़ा और आज भी हुंकार भर रहे हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।